बाडा की डाणी में क्षतिग्रस्त होने पर गिरी पानी की टंकी, घटिया सामग्री का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जताया विरोध। खेतड़ी उपखंड के बाडा की डाणी में ग्रामीणों की ओर से बनाई गई पानी की टंकी बड़बड़ाकर गिर गई। इस दौरान ग्रामीणों ने टंकी के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग करने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। विरोध कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पेयजल की समस्या को देखते हुए सरकार की ओर से वर्ष 2016 में पेयजल की टंकी बनाई गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि लाखों रुपए की लागत से बनी पेयजल की टंकी कुछ समय बाद ही क्षतिग्रस्त होने लगी थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया था, लेकिन अब जलदाय विभाग की नजरअंदाजी के चलते टंकी काफी क्षतिग्रस्त हो गई और आज गिर गई। इस दौरान आसपास कोई व्यक्ति नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों ने बताया कि जलदाय विभाग की ओर से बनाई गई टंकी में कुंभाराम नहर योजना व बोरवेल का पानी डालकर गांव में सप्लाई किया जाता था, जिसके लिए सही समय पर पानी उपलब्ध हो रहा था, लेकिन अब टंकी गिर जाने से ग्रामीणों के सामने पेयजल का संकट भी उत्पन्न हो गया। रात को 11 बजे ढाणी बाडान में उस जलाशय जो 2,07,00,000 रुपए से बना है, वो रात को जो धराशायी हुआ वो साफ तौर पर दर्शाता है कि मतलब ठेकेदार और राजनेता उनके मिलीभगत से जो भ्रष्टाचार है उसका जीता जागता सबूत है। ये सबसे बड़ा मतलब अधिकारी ठेकेदार और राजनेताओं का जो गठजोड़ है ये भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी गवाही दे रहा है। ये यहाँ न तो यथेष्ट मात्रा में इसमें सीमेंट लगाई गई है और न यथेष्ट मात्रा में इसमें जो सरिया होना चाहिए थे वो सरिये भी नहीं लगाए गए। इस टंकी का निर्माण 2016 में तैयार हुआ था और जब टंकी बना रहे थे उसी टाइम में एक बार ये पिलर थोड़ा खिसक गए थे, तो प्रशासन को अवगत कराया और उन्होंने मिट्टी उट्टी डालकर इस पर खाना पूर्ति कर दिया और फिर इसको तैयार कर दिया। अभी ये टंकी आज रात को 10-11 बजे के करीब धराशायी हो गई है। अब गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पहले भी समस्या थी और अभी और ज़्यादा समस्या होगी, तो प्रशासन से हमारी यही निवेदन है कि टंकी को जल्दी जल्दी तैयार कराया जाए और ये पीएचई विभाग ने बनवाई थी ये टंकी। बोलो, ये टंकी 2016 में इसका निर्माण बनके तैयार हुई थी और ये पीएचई विभाग द्वारा बनाई गई थी और इसकी पहले भी इसके पिलर वगैरह नीचे धस गए थे। इससे प्रशासन को सभी अधिकारियों को अवगत भी कराया था, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया और अभी ये पूरी की पूरी टंकी धराशायी हो गई है और पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई गांव के अंदर। 2 डाणियों के अंदर इसकी सप्लाई होती थी और अभी पानी का मतलब कोई जो मतलब बंदोबस्त नहीं है यहाँ पानी पीने का, लोग प्यासे मरेंगे इस ढंग से। तो आपकी क्या मांग? हाँ जी श्रीमान जी, आज हमारे टंकी रात को टंकी गिर गई, सुबह हमने देखा टंकी गिरी हुई थी तो हमने सोचा और विचार किया कि प्रशासन को थोड़ा सूचित करें कि क्या हमारी टंकी के नीचे कम से कम 1 कोस के अंदर पानी की किल्की है, 1-1.5 कोस तक हमारे पानी की सप्लाई है। अब हम प्यासे मरे, हमारी पानी की व्यवस्था करी जाए ताकि हम अपने आगे बच्चों को और जानवरों को हमारे बचा सके। पानी की ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी किसे जल्दी करें ताकि हमारी समस्या का हल करें। सर, ये जो लागत हुई 2,07,00,000 रुपए की हुई थी, कहीं वो ऑफिशियली उसमें देखना पड़ेगा कितने की लागत थी, जिसमें लागत में तो पाइपलाइन, बिजली के बिल नहीं, बिजली की लाइनें वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, अकेली टंकी की लागत नहीं आती। इसमें जो भी विभागीय कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। सर, किस तरह की गलती मानी जा सकती है ठेकेदार की या किस तरह की लापरवाही? तो अब कुछ बता नहीं सकते, इसमें क्या कमी है, जांच होने के बाद ही पता लग पाएगा।